नमस्कार दोस्तों, हम आज एक नई सीरीज लेकर आए, नई श्रृंखला लेकर आए, जिसमें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश एक परीक्षा। तो इसमें क्या होता है, उत्तर प्रदेश की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इसके तहत हम लेकर आए उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विशेषताएँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लगभग प्रतिदिन कोई न कोई क्वेश्चन या इससे संबंधित उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जानकारी लेकर आएंगे। तो इसके एंड में, इसके अंत में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनसे पूछे गए इस टाइटल से, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विशेषताएं से, वो भी दिए हुए हैं, जो कि आप खुद सॉल्व करेंगे। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसका मतलब क्या है कि जो एक लोकेशन है, विस्तार है, एक्सटेंट विस्तार है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखना होगा कि उत्तर प्रदेश जो है घिरा हुआ है किससे, उत्तराखंड ये उत्तर में है, हिमाचल प्रदेश उत्तर पश्चिम में है, हरियाणा और दिल्ली पश्चिम में, राजस्थान ये है दक्षिण पश्चिम में, मध्य प्रदेश से दक्षिण में, और छत्तीसगढ़ फ्रॉम साउथ ये भी छत्तीस, एंड झारखंड और बिहार ये ईस्ट से उत्तर प्रदेश को घेरे हुए हैं। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि हाउ मैनी स्टेट, यानी कितने स्टेट, कितने राज्य उत्तर प्रदेश के सराउंडिंग में हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 8 राज्य के उसको घेरे हुए हैं, और एक जो दिल्ली है वो यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो इसका आपको विशेषकर ध्यान रखना है। नाउ इसके बाद में एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी इंडिया शेयर करता है, भारत शेयर करता है, जो कि नेपाल के साथ लगता है। तो ये क्या करता है कि ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है संभवतः विभिन्न परीक्षाओं में। तो यहाँ पर क्या है, महाराजगंज एक, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी एंड पीलीभीत। ओके, सो नाउ हेयर इस मैप में हम लोग देख लेते हैं और यहाँ से और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखो कि ये उत्तराखंड है, ये भी हमने आपको बताया ये उत्तराखंड है। ठीक है, अब यहाँ पर नेपाल, नेपाल से यहाँ पर कितने स्टेट्स की सीमाएं लगती हैं। तो देखो, पीलीभीत 1, लखीमपुर 2, बहराइच 3, श्रावस्ती 4, बलरामपुर 5, सिद्धार्थनगर 6, महाराजगंज 7। ठीक है, तो ये आपको याद रखने, ये स्टेट्स यहाँ पर किससे हैं, सॉरी इन डिस्ट्रिक्ट की, इन जिलों की, इन जनपदों की जो सीमा है उत्तर प्रदेश की, ये नेपाल से लगती है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं जो उत्तराखंड से सीमा क्या करते हैं, साझा करते हैं, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो अब आपको याद रखना है कि यहाँ से स्टार्ट करो, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं तो नेक्स्ट आता हरियाणा। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरियाणा के साथ ही विच ऑफ द फॉलोइंग, या इनमें से कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है या जनपद है उत्तर प्रदेश का, वो हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है या साझा करता है, इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हरियाणा के साथ क्या है, सहारनपुर, शामली, बागपत, है ना। अब यहाँ और तो ये स्टेट, ये डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है दिल्ली। दिल्ली में क्या आता है कि गौतम बुद्ध नगर, जिसको नोएडा हम बोलते हैं, और गाजियाबाद। ठीक है, और यहाँ पर फिर हरियाणा जो है घूम के इधर आएगा, तो ये गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ और मथुरा के साथ भी इसकी सीमाएं लगती हैं हरियाणा की। नेक्स्ट अब हम अगर बात करते हैं राजस्थान, तो राजस्थान के साथ जो सीमा शेयर कर रहा है वो मथुरा है और आगरा है, और कुछ पार्ट जो है इसमें फिरोजाबाद का भी है। ठीक है, ये तीन हो गए। इसके बाद हम घूम कर आते हैं मध्य प्रदेश के साथ, कितने हैं, तो मध्य प्रदेश में फिरोजाबाद, इटावा, ओके, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, ओके, ये बांदा है, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमीरपुर का कुछ पार्ट। तो ये क्या है, मध्य प्रदेश के साथ अपने जो यूपी के डिस्ट्रिक्ट हैं वो बाउंड्री को शेयर करते हैं। अब इसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ ये क्या है, सोनभद्र है। उसके बाद क्या होता है, बिहार, बिहार के साथ भी किसका है, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, है ना। तो ये इसके साथ क्या करते हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के, ये अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। अब इसके साथ साथ में क्या है कि एक प्राकृतिक बाउंड्री भी यहाँ पर दी हुई है। ये जो कौन सी है, हिमालय क्या है, उत्तर में है, यमुना द वेस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं, और द गंगा जो है ये सदर्न एंड
गंगा ईस्टर्न, ये जो है गंडक रिवर है ना, ये इसकी नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं ना। अब ये क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का एरिया कितना है, यानी कि क्षेत्रफल कितना, तो 236,286 स्क्वायर किलोमीटर। अब और क्वेश्चन क्या आता है कि ये प्रदेश या उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग हिंदुस्तान या भारत का भाग है, तो 7.33% है, आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश का अक्षांश और देशांतर क्या है, तो अक्षांश ये है लैटिट्यूड है ना, तो कितना है 23°52', तो कभी कभी आपको एग्जाम में दे सकता है 24°2 से 30°24' नॉर्थ, ये आपके अक्षांश हो गए, लैटिट्यूड हो गए। और इसके बाद क्या करते हैं कि जो देशांतर हो 77°05' तो यहाँ पर 77° हो सकता है, ईस्ट टू 84°38' ईस्ट। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर आपके लिए आंसर हो गया 4th largest state, और पॉपुलेशन के हिसाब से आपको पता होगा 1st। अब यहाँ पर और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश कौन है, मतलब सबसे पूर्वी भाग का उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट कौन है, बलिया है ना, और वेस्टर्न मोस्ट शामली, नॉर्दर्न मोस्ट क्या है सहारनपुर, और सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है सोनभद्र, मतलब पूर्वी भाग में बलिया है और पश्चिम में शामली है और उत्तर में सहारनपुर और दक्षिण में सोनभद्र। हम इस नक्शे में मानचित्र में फिर से देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पूर्व में ये जो आ रहा बलिया आ रहा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दक्षिण की, तो ये सोनभद्र आ रहा है ना। नेक्स्ट ऊपर की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट आएंगे हम, तो सबसे पश्चिम जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का वो क्या है, शामली है, और उत्तर में क्या है सहारनपुर है। तो आपको ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ के बाउंड्रीज को याद रखना है। नेक्स्ट, इसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है उत्तर प्रदेश का, तो ये क्या होता है कि जो मेजर पार्ट है, बहुत अधिक भाग जो उत्तर प्रदेश का है, ये गंगा के जलोढ़ मैदानों से निर्मित है और बना हुआ है, ठीक है, ये उत्तर में। एंड इसका जो दक्षिणी भाग है वो क्या है, पेनिनसुलर टेरेन, मतलब जो प्रायद्वीपीय पठार है उसे घिरा हुआ है लगभग, तो दक्षिण भाग में भी क्या है पठारी भाग पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। तो ये एल्यूवियम सॉयल है, जो जलोढ़ है, ये क्या करता है, ये होलोसेन एज से क्या करता है, बिलोंग करता है, और यहाँ पर क्या होता है जो ओल्डर सेडिमेंट्स है, मतलब पुराने जो जलोढ़ है मिट्टी है, जो जल जमा होकर जो सेडिमेंट वहाँ पर जमे, तो वाराणसी में एक्सपोज बियॉन्ड द रिवर बेसिनल है ना एरिया, और इसमें क्या होता है जो रिवर का बेसिन है उस एरिया, मतलब एक होता है कि ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर फ्लो हो रही है, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं और जो भी यहाँ पर पानी का इकट्ठा हो रहा है और उसकी सहायक नदियाँ लेकर आ रहे हैं, तो उसको हम बेसिन बोलते हैं, ठीक है। एंड बांड द यंगर सेडिमेंट एक्सपोर्ट अराउंड द रिवर्स फॉल फ्लोइंग, तो जो वहाँ पे बांदा में जो भी रिवर फ्लो हो रही है वो उसको न्यूअर हो जाता है सेडिमेंट एक्सपोर्ट करते हैं। द ओल्डर एल्यूवियम कंप्राइज फाइनर ग्रेन, मतलब जो ओल्ड है वो क्या होती है फाइन, ठीक है, महीन ग्रेन, वेल कॉम्पैक्टेड एंड मोर मेच्योर सेडिमेंट्स ऑक्यूपाइंग एक्सटेंसिव स्ट्रेचेज एट रिलेटिवली हाई एलिवेशन, मतलब उनका हाई अपलैंड होता है, ज़्यादा उठे हुए भाग पाए जाते हैं। ड्रेनेज पैटर्न यहाँ का क्या होता है, सब डेंड्रेटिक टू डेंड्रेटिक, मतलब जो डेंड्रेटिक क्या होता है लाइक दिस, ये कोई पेड़ है, इसमें कोई इस टाइप का ये तनाएँ हैं, तो ये क्या होता है पेड़ की शाखा के जैसे यहाँ पर ये होता जाता है, इसमें बढ़ती जाती है, तो ये हो गया शाखा तनानुसार। और इसके बाद क्या करता है कि यहाँ पर जो डेंड्रेटिक फॉर्म बाय द हिल्स एंड नालाज, जो इस एरिया में बहते हैं जो सॉइल कवर होते हैं। अब इसका देखते हैं, पेनिनसुलर पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज कवर्ड बाय द रॉक्स ऑफ द आर्कियन टू मेसोजोइक एज, अब ये यहाँ पर पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि जो पठारी भाग है या पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय भाग है उत्तर प्रदेश का, उसमें कि कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, किस एज के बीच में पाई जाती हैं, तो आपको याद रखना होगा आर्कियन से मेसोजोइक। अब यहाँ पर देखना है बुंदेलखंड क्रेटन का जो केंद्र है वो मोस्टली सबसे ज़्यादा किसका कम बना हुआ है, आर्कियन ग्रेनाइट से, जो क्या होता है हेट्रोजेनिटी, बहुत ज़्यादा विषमता प्रस्तुत करता है किसमें, उसका जो बनावट है और जो उसकी रचना है कंपोजिशन है ना, तो ये क्या होता है लगभग लेटर फेज ऑफ द मैग्मेटिक एक्टिविटी की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। द महरौनी ग्रुप ऑफ द रॉक्स एक्सपोर्ड अराउंड गिरर,
गिरार, ठीक है, मारवनी ग्रुप का जो रॉक है, जो चट्टाने वो देखी गई, गिरार, मानपुरा एंड राजौला एरिया, ये कहाँ पर है? ये ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा मारवनी ग्रुप है, मारवनी ग्रुप, और कौन से एरियाज में है, गिरार, मानपुरा एंड राजौला एरिया में, एरिया में है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ब्लॉक ब्लॉक में है, तो आपको ये ब्लॉक भी याद रखना है, माडवारा ब्लॉक। अब नेक्स्ट ग्रुप आता है जियोलॉजी में, द बीजावर, ओके, ग्रुप इज एक्सपर्ट इन सोनराय एरिया, सोनराय एरिया, ये भी क्या है, ये भी ललितपुर डिस्ट्रिक्ट जनपद में उत्तर प्रदेश की, कौन सी, बीजावर ग्रुप। द रॉक्स ऑफ द दूधी, दूधी नीस कॉम्प्लेक्स है ना, महाकोशल ग्रुप, ये कहाँ एक्सपोज हुए, कहाँ पे, सोनभद्र और मिर्जापुर जिला में। तो ये क्या करना है आपको, दूधी जेनेसिस कॉम्प्लेक्स और महाकोशल ग्रुप, ये कहाँ पर पाए जा रहे हैं, सोनभद्र और मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में पाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ देखते हैं कि अजावगढ़ ग्रुप रॉक जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में पाए जा रहे हैं। अब देखिए अधीज बीजावर ग्रुप क्या है, बीजावर ग्रुप, महाकोशल ग्रुप एंड अजावगढ़ ग्रुप, ये क्या है, इक्विवेलेंट टू द डेली सुपर ग्रुप, मतलब जो दिल्ली की जो रॉक्स हैं उनके समानांतर हैं या उनके समकालीन पाई जा रही हैं। द बुंदेलखंड क्रेटन इज क्रैप्ड बाय द सेडिमेंट्री यूनिट्स ऑफ द बिंदेन सब ग्रुप है ना, जो कि एक्सपोज हुआ मेनली इन द सदर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में, और वहाँ पर कुछ एक्सपोजर भी वहाँ पर मिले, ऑब्जर्व किए गए कहाँ पे, आगरा डिस्ट्रिक्ट में। और डेक्कन ट्रैप और रॉक्स आर ऑल्सो टेस्टेड इन ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, जो दक्षिण पठार है, दक्षिण भारत का पठार है, डेक्कन ट्रैप है, वो इस कहाँ पर मिला, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में मिला उत्तर प्रदेश के। नाउ अब इसके बाद देखते हैं कि फिजिकल डिवीजन, जो इसकी भौगोलिक संरचना है, भौगोलिक विस्तार के साथ इसकी जो भौगोलिक संरचना है, उसका जो विभाजन है भौगोलिक उत्तर प्रदेश वो क्या है, तो ये भी बहुत सारे इसमें पार्ट्स में विभाजित किया गया। तो पहला क्या है, फुट हिल, मतलब शिवालिक फुट हिल एंड तराई इन द नॉर्थ। अब क्या करना है कि जैसे ये यहाँ पर क्या है, रेंजेज हैं, ठीक है, ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल और लेसर, तो क्या करते हैं कि बेसिकली जो उत्तर प्रदेश का नॉर्दर्न पार्ट है वो शिवालिक रेंज या फुटहिल में पाया जा रहा है, ठीक है, और उसी में क्या होता है, तराई रीजन इन द नॉर्थ, सबसे नॉर्थ में क्या है उत्तर प्रदेश के, ये शिवालिक फुटहिल है, या ये मतलब फुटहिल किसको बोलते हैं, जहाँ पर कोई माउंटेन जो ख़त्म हो रहा होता है उसको बोलते हैं। तो तराई क्या, अब यहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े बोल्डर्स या पेबल्स या पत्थर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जल जमाव भी हो जाता है और ये आसानी से वहाँ पे ख़त्म नहीं होता, तो ये एक तराई रीजन हो गया, जैसे कि लखीमपुर में तराई रीजन है, पीलीभीत में तराई रीजन, तो यहाँ पर ये मिल सकता है। तो शिवालिक रेंज जो क्या आता है कि ये फॉर्म करता है सदर्न फुटहिल ऑफ द हिमालय, मतलब हिमालय के दक्षिण में और उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में, यहाँ पर जो भी हमने बताया, एंड बोल्डर बेड, और यहाँ पर जो भी बोल्डर पाए जाते हैं, अब इसको क्या बोलते हैं, हम इसको तराई रीजन को भाबर भी बोलते हैं, ठीक है, ये एक ट्रांजिशनल जोन है, ये संक्रमण जोन है, क्या करती है, रनिंग अलॉन्ग द एंटायर लेंथ ऑफ स्टेट कॉल्ड द तराई एंड भाबर एरिया, इसी को बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ से साउथ अरेंज कीजिए, भाबर है ना, तराई, भाबर या खादर बांगर लैंड, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये ध्यान रखना है कि ये सबसे नॉर्थ में है। अब ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं, ठीक है, कौन से जंगल पाए जा रहे हैं, और यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं, चैनल होते हैं, जो छोटी छोटी चैनल्स होते हैं वो बहते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, एलिफेंट ग्रास एंड थिक फॉरेस्ट, ये यहाँ पर पाए जाते हैं, और यहाँ पर दलदल पाया जाता है, मार्शेज एंड स्वैम्प्स पाए जाते हैं, ठीक है। द स्लगिश रिवर्स ऑफ द भाबर डीपर इन दिस एरिया, तो यहाँ पर क्या होता है कि द तराई रन पॉलर टू द भाबर इन थिन स्ट्रिप। अब यहाँ पर कौन कौन सी मेन क्रॉप है, वीट है, राइस है, शुगर है, शुगर केन, ओके, और जूट भी यहाँ पर कल्टीवेशन होता है। सेकंड जो है यहाँ पर दूसरे नंबर पर आता है, वो आता है गंगा मैदान, वो किस में आता है, वो सेंटर में आ गया, उत्तर में क्या हो गया, द फुट शिवालिक फुट हिल एंड तराई, सेंटर में क्या होगा, गंगेटिक प्लेन इन द सेंटर। तो गंगा का प्लेन क्या है, अगर इकोनॉमिक दृष्टि देखें, आर्थिक दृष्टि देखें, तो ये जो गंगेटिक प्लेन है उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, यहाँ पर क्या होती है, फर्टाइल, मतलब उर्वरा शक्ति मिट्टी में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और ये क्या होती है, गंगेटिक प्लेन स्टेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये एंटायर लेंथ को प्रदर्शित करते हैं। ये डिवाइड भी की जाती है कई रीजन्स में, जैसे कि द फर्स्ट ये ईस्टर्न ट्रैक,
क्या है कंसीडरेशन। ईस्टर्न मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो हम बात करते हैं, वहाँ लगभग 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उनको इसमें देते हैं। वहाँ पर क्या होता है, पीरियडिकल मतलब समय समय पर या तो आता है बाढ़ आती है या वहाँ पर सूखा पड़ जाता है, तो क्या होता है इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं लाइक एज ए स्कार्सिटी एरिया। दीज डिस्ट्रिक्ट हैव द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, है ना, और ये यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, और इसके हिसाब से यहाँ की जो पर कैपिटा लैंड है वो हो जाती है यहाँ पर कम, तो इस वजह से ये इतना इकोनॉमिक या आर्थिक रूप से सक्षम एरिया नहीं। द सेकेंड अदर टू रीजन में अगर देखा जाए तो क्या होगा, सेंट्रल एंड द वेस्टर्न आर कंपेरेटिवली बेटर, मतलब सेंट्रल उत्तर प्रदेश की बात करें या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर बात करें तो वहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है, वहाँ पर वेल डेवलप्ड इरीगेशन सिस्टम है मतलब सिंचाई का है, और बट दे सफ़र फ्रॉम वाटर लॉगिंग एंड लार्ज स्केल यूजर ट्रैक्स। अब इस रीजन में क्या होता है, ये अगर देखा जाए तो ग्रीन जो रेवोल्यूशन था उससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड हुआ था जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश था, तो यहाँ पर वाटर लॉगिंग की सिचुएशन भी क्रिएट हो रही जिससे कि यहाँ की जो सॉइल है या मृदा है वो ख़राब होती जा रही, तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि उत्तर प्रदेश की मृदा सॉइल क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं तो गंगेटिक प्लेन इज वाटर बाय द यमुना। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन कौन सी हैं, तो गंगा के साथ साथ गंगा और यमुना, अब गंगा यमुना के बीच का मध्य का भाग जो हो जाता है उसको बोलते हैं गंगा यमुना दोआब। इसकी तीन मेजर ट्रिब्यूटरी हैं रामगंगा, मतलब जो महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, किसकी, गंगा की, है ना, तो ये यहाँ पर देखना द होल प्लेन इज एलुवियल एंड वेरी फर्टाइल। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पर चीफ क्रॉप कल्टिवेटेड वे होते राइस होता है, यानी चावल, गेहूं, पलमिलेट, ग्राम, चना, बर्ली, शुगर केन इज द चीफ कैश क्रॉप ऑफ दिस रीजन। अब यहाँ पर क्या होता है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बांगल लैंड एंड खादर लैंड, मतलब बांगल लैंड और खादर लैंड के बीच में क्या अंतर पाया जाता है या क्या है, तो ध्यान देना इन द सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट कि आप ये बोल सकते हैं कि जो ओल्डर एलुवियल डिपॉजिट है उसको हम बोलते हैं बांगल लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फ्लड आया वो मिट्टी डिपॉजिट हो गई, बाद में वहाँ पर पानी काफ़ी दिनों तक नहीं आया, वहाँ पर बाढ़ नहीं आई और किसी के कारण से, तो ये बांगर लैंड हो गया बागर। ठीक है, अब खादर क्या हुई, अगेन एंड अगेन एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष क्या होता है, यहाँ पर सॉइल का मिट्टी का डिपोजिशन होता है, जमाव होता रहता है, तो इसको न्यू एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं, इसको पुरानी एलुवियल सॉइल जड़ोड़ मृदा या जड़ोड़ मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, तो इसको बोलते हैं द विंध्य हिमालय हिल्स एंड द प्लेट्यू इन द साउथ, तो यहाँ पर द सदर्न फ्रिंज ऑफ द गंगेटी की डिमार्केट बाय द विंध्य हिल्स एंड प्लेट्यू, जो सदर्न फ्रिंज जो सदर्न पार्ट है क्या हो गया, नॉर्दर्न में फुट हिल्स, शिवालिक फुट हिल्स, मिडिल गंगेटिक प्लेन, एंड नाउ इन द साउथ में जाएंगे तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर विंध्या हिल एंड प्लेट्यू, विंध्या पहाड़ी और प्लेट्यू पठार है यहाँ पर। ये क्या होता है, ये चार डिस्ट्रिक्ट कंप्राइज किए जाते हैं जैसे झांसी, जालौन, बांदा एंड हमीरपुर, ये कहाँ पे हैं, ये बुंदेलखंड डिवीजन में आते हैं अभी। ठीक है, मेजा एंड करछना तहसील ऑफ प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट, मेजा और करछना डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे हैं, अब प्रयागराज में है, पहले इलाहाबाद हुआ करता था। द होल ऑफ द मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट साउथ ऑफ द गंगा एंड द चकिया तहसील ऑफ द चंदौली डिस्ट्रिक्ट, ये किस में आते हैं, विंध्यन रेंज में आते हैं, जबकि जो अगर प्लेट्यू वाली बात करें तो यहाँ पर झांसी, जालौन, बांदा एंड हमीरपुर भी आते हैं। तो ग्राउंड इज द स्ट्रॉन्ग विद लो हिल्स, ठीक है, द बेतवा और केन रिवर्स क्या करती हैं, यहाँ पर यमुना को ज्वाइन करती हैं, कहाँ से, साउथ वेस्ट इन द दिस रीजन, बेतवा और केन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बेतवा और केन किस नदी की सहायक नदियाँ हैं तो आप ये आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर फोर डिस्टिंक काइंड्स ऑफ सॉइल होते हैं जिसमें से विच आर दो क्या होते हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है मैनेज करने के, दे आर ब्लैक कॉटन सॉइल, तो रेनफॉल इज स्कैंटी एंड एरेटिक, यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है या कम, बहुत कम हो जाती है, स्कैंटी मतलब कम होती है, एरेटिक एंड वाटर रिसोर्सेज आर स्केयर, क्या होता है आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे हर साल गर्मियों के सीजन में क्या होता है बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत स्टार्ट हो जाती है ना, तो इस तरीके की वहाँ पर दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ड्राई फार्मिंग इज
प्रैक्टिकल ऑन अ लार्ज स्केल। इसके बाद हम आते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए कि क्या है? इसका अभी हम आंसर नहीं देंगे, आप पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा कंटेंट देखेंगे, उसके बाद सारे के सारे आंसर आप स्वयं देंगे। कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो के वहाँ पर आप इसको कमेंट करेंगे, और पीडीएफ फाइल भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। कौन से टिप टॉप क्लासेज, ओके, आपको ध्यान रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा टिप टॉप क्लासेज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो क्या उत्तर प्रदेश कवर्स हाउ मच एरिया, मतलब देखो अभी हमने आपको बताया था कि क्या होगा यहाँ पर, तो इसमें पूछा गया कि उत्तर प्रदेश कितना एरिया जो है, ज्योग्राफिकल एरिया है, जो भौगोलिक क्षेत्र है फल है भारत का, उसका कितने प्रतिशत कवर करता है। एक क्वेश्चन ये हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री सेट द बाउंड्री विद उत्तर प्रदेश, कौन सी कंट्री जो है उत्तर प्रदेश के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। अब ये बात हमने बताया था कितने जो स्टेट्स हैं वो बाउंड्री लाइन अपने उत्तर प्रदेश के साथ शेयर करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द एरिया ऑफ द उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आता है, एट विच प्लेस उत्तर प्रदेश लाइज इन टर्म्स ऑफ एरिया इन इंडिया। अब ये क्या होता है, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट टच द बाउंड्री ऑफ उत्तर प्रदेश, कि इसमें से उत्तर प्रदेश की बाउंड्री को कौन सा राज्य टच नहीं करता है, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश शेयर इट बॉर्डर विद मैक्सिमम स्टेट, बहुत ज़्यादा स्टेट्स के साथ करते हैं, 9 स्टेट्स हैं, क्या 8 क्या स्टेट्स हैं, 1 यूटी हो गया, तो इसमें से कौन सा साथ नहीं शेयर करता, ये आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश डज नॉट हैव एनी इंटरनेशनल बाउंड्री, मतलब डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ का कौन सा, जो अभी हमने आपको मैप में दिखाया था, ठीक है, उसमें से कौन सा नहीं है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर सदर्न प्लेटू की भी बात की थी कि सदर्न प्लेटू इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा सदर्न प्लेटू का पार्ट नहीं है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन उत्तर प्रदेश जूट इज कल्टिवेटेड, अभी हमने आपको बताया कि कौन से रीजन में ये कल्टिवेट किया जाता है, यानी कि जितना अभी आपके पास जो हमने कंटेंट दिया है, जो वीडियो दिया है, सारे के सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी, तो इस प्रकार से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। द नैरो बेल्ट ऑफ द भाबर इज फाउंड इन, मतलब जो नैरो पतला एक बेल्ट है वो भाबर का कहाँ पर पाया जाता है, ये सारे के सारा हमने आपको डिस्कस कर दिया। सो यार थैंक्स अलॉट, और फर्दर उत्तर प्रदेश के परिचय की श्रृंखला से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल टिप टॉप क्लासेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके साथ ही इसकी फाइल या पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।